हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो वंस अगेन CB200 एक्सपर्ट एक और वीडियो, और आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इस पर कुछ मैं मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं अपनी नेक्स्ट जो मेरी फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप होने वाली है। वो लॉन्ग ट्रिप कहाँ की होने वाली है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ मेरी बाइक और योगी भाई की बाइक दोनों लगी हुई हैं, आप देख सकते हो लेफ़्ट और राइट में दोनों बाइक्स लगी हुई है, KTM 390 एडवेंचर और CB200X। देख रहे हो दोनों में कितना फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा ना सामने से? तो ये होंडा CB200X आप KTM एडवेंचर 390 के साथ कैसी लग रही है ये भी आप यहाँ देख सकते हो। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ इसमें, वो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो रफ़ एंड टफ राइडर्स यहाँ। तो मैं अभी यहाँ से इंस्टॉलेशन करवाने वाला हूँ इसमें ऑक्सीलरी लाइट नाइट राइडिंग के लिए, क्योंकि मेरी जो ट्रिप होने वाली है नेक्स्ट उसमें मैं रात को भी राइड करने वाला हूँ। तो मैं लाइट्स इंस्टॉलेशन कराने आया हूँ, और कौन सी लाइट्स इंस्टॉल करवाने वाला हूँ वो आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो स्किप करे बिना पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने कल इसमें लेग गार्ड तो लगवा लिया था, क्रैश गार्ड बनने में इसका अभी टाइम लगेगा, और मेरी जो अगली ट्रिप है वो जल्दी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए मैं इस पर ये लेग गार्ड लगवा चुका हूँ, जो कंपनी का अपना खुद का लेग गार्ड है। ये अप्रॉक्स 881 रुपीज़ का है, अप्रॉक्स 900 के करीब है ये। तो अब मैं इस पर इंस्टॉल करवा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी मैं इस पर इंस्टॉल करवा रहा हूँ ये SJG की मिनी ड्राइविंग लाइट्स। स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, 70% एनर्जी सेविंग एंड 50% इसकी सेविंग लाइफ है, 30,000 आवर्स की इम्प्रूव ब्राइटनेस है, स्पेसिफिकेशन 1.3 एम्पियर करेंट लेता है ये, एंड ज़्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए, ल्यूमेंस 3000 ल्यूमेंस 20 वॉट पर बल्ब है। तो यहाँ अभी हम ये इंस्टॉल कराने वाले हैं, और ये देख सकते हो अभी छोटी सी है बहुत, तो ये एक्स्ट्रा क्लैंप्स हैं, ये क्लैंप्स अलग से लेनी पड़ती हैं, और ये क्लैंप्स के साथ अभी इंस्टॉल कर रहे हैं भाई। क्या नाम है भाई? फारूक नाम है भाई का, और ये यहीं से दीपक भाई की जो शॉप है रफ़ एंड टफ राइडर, दीपक भाई भी ये काम कर रहे हैं। देखो ये कर रहे हैं KTM पर, योगी भाई के दोनों गाड़ी रेडी हो रही हैं। यहाँ पर अभी ये क्लैंप्स इंस्टॉल हो चुके हैं, अब इस क्लैंप के ऊपर ये लाइट आएगी। अब ये लाइट उसके ऊपर लगेगी, और आप देख सकते हो ये SJG की लाइट है, और इसमें कूलर इंटीग्रेटेड कूलर है पीछे, ये फ़ैन जो है, और ये अभी जलाकर मैं आपको दिखाऊंगा इसको रात का, इसका नाइट टेस्ट। तो ये अब यहाँ से पोजीशन आ जाएगी थोड़ा पीछे होकर, तो ये प्रॉपर यहाँ सेट होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर इस तरीके से सेट होगी, तो कितनी ऑसम लगने वाली है। ये जलाकर प्रॉपर फिटिंग के बाद आपको बताया जाएगा। आप एक बार देख लो ये रफ़ एंड टफ राइडर्स, ऊपर सोनू भाई का और दीपक भाई का नंबर है, और ये करोल बाग में ये शॉप है जहाँ से आपको बेस्ट डील्स मिल सकती है। तो यहाँ दोनों बाइक्स में देखो लगवा चुके हैं हम, दोनों बाइक रेडी करवा रहे हैं। ये KTM 390 एडवेंचर योगी भाई की, इसमें भी यही वाली हमने लाइट्स लगवाई हैं, और ये मेरी बाइक में। तो यहाँ से आप देख सकते हो सामने से कितना अच्छा लुक है, ये आपको देख सकते हो ये दोनों जगह कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। और इसमें आप ये देखो लाइट का पता ही नहीं चल रहा अगर लाइट लगी हुई है, कितना अच्छी पोजीशन पर लाइट लगाई है ये वाली लाइट्स। अब सिर्फ इसके वायर के कनेक्शंस करना रह गया है, और स्विच जो है हमने ये वाला लगवाया है, तो ये थ्री वे स्विच है। तो दोस्तों देखो, यहाँ काम होते होते ना थोड़ा सा टाइम लेट हो गया, क्योंकि लाइट चेक भी करनी थी रात के टाइम। तो लाइट की फिटिंग ये हो चुकी है पूरी, यहाँ आप देख सकते हो कितना क्लीन फिटिंग की गई है वायरिंग वगैरह, और इसी के साथ में यहाँ इसका, और इसी के साथ में आप यहाँ देख सकते हो ये इसका स्विच इंस्टॉल हुआ है। अब इस स्विच से मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर करने से इसकी लो बीम ऑन हो गई, और नीचे करने से इसकी हाई बीम ऑन हो गई है, यहाँ आप देख सकते हो ये। और अभी मैं इसकी ब्राइटनेस जो है आपको रोड पर चेक कराऊँगा इसको प्रॉपर नाइट में। और साथ में आप यहाँ देख सकते हो यहाँ इंस्टॉलेशन कितना क्लीन हुआ है, कि ये वायरिंग जो है ना इतना क्लीन इंस्टॉलेशन है। आप यहाँ वायरिंग देखो, कहीं भी वायरिंग खुली हुई नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल जैसे इंस्टॉल्ड वायरिंग थी ना, बिल्कुल वैसे ही, कहीं से पता भी नहीं चल रहा कि इसमें कहीं इंस्टॉलेशन करवाया हुआ है। तो यार गर्मी तो हो रही है। योगी भाई की बाइक भी इंस्टॉल का काम हो चुका है, भाई कैसा लगा काम यहाँ का? काम बहुत अच्छा हुआ है, वायरिंग
मतलब पता नहीं चले है, बिल्कुल स्टॉक फिटिंग की तरह कहीं कोई कट वगैरह कोई कुछ भी नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ का जो काम है ना रफ एंड टफ राइडर्स का, दीपक भैया के हाथ का काम मुझे बहुत पसंद है। तो ये इंस्टॉलेशन वीडियो पूरा आप देख चुके हो, अब इसकी बस लाइट टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो लाइट का इंस्टॉलेशन हो चुका था, वहाँ ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, तो लाइट का खर्चा अप्रॉक्स इसका आया है 2500 और कुछ लेबर वगैरह सब कुछ मिला के, और मैंने थोड़ा मतलब बार्गेन वगैरह करके और बेटर डील मिल गई थी। बाकी यार मार्केट का रेट चेंज होता रहता है, तो ये प्राइस आप फिक्स मत समझिए। आजकल वैसे भी चाइना का इम्पोर्ट बहुत महंगा हो गया है। अब मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए गाड़ी की लाइट दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो फिर से हम उसी जगह आए हैं जहाँ हमने रात को 2 बजे हेडलाइट टेस्ट किया था। आज रात के 2 नहीं बज रहे हैं, आज तो हम जल्दी आ गए हैं, और आज अभी टाइम हो रहा है 9:52, 9:52 टाइम हो रहा है। तो अब आपको दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट कैसी है। दोस्तों आप ये देख सकते हो कि मैंने इसको ना बैटरी से कनेक्ट करवाया, वैसे तो अभी मैं बैटरी पर दिखा देता हूँ इमरजेंसी केस में, बट रिकमेंडेड ये है कि आप इसको कभी भी अगर ऑपरेट करते हैं तो आप इसको इग्निशन ऑन करने के बाद ही ऑन करें। तो ये मेरा जो स्विच है, सबसे पहले मैं स्विच दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हो ये स्विच इंस्टॉलेशन हुआ है, ये भी उसी ब्रांड का HJG का। और ये स्विच की सबसे अच्छी बात है कि इसी में एक ही स्विच में दोनों काम है, ऊपर करने पे लो बीम जलेगा, नीचे करने पे हाई बीम जलेगा। तो अब मैं आपको इसकी लो बीम जलाकर दिखा देता हूँ कि लो बीम कैसी है इसकी। ये लो बीम है और आप यहाँ देख सकते हो बाइक बिल्कुल, ये जैसे ख़राब रोड है, अगर हम रात को ड्राइव कर रहे हैं ख़राब रोड है तो आपको एक एक सारे जो ये गड्ढे हैं ये आप देख सकते हो कितना क्लियर दिख रहे हैं। और बाकी ये जो लाइट है ना, आप यहाँ का इसका एंगल भी इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें ये थोड़ा सा आप पुश करके चेंज कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको एंगल लो लगता है तो। बाकी मैंने अभी देखो यहाँ सेट किया हुआ है, यहाँ से लाइट स्टार्ट हो रही है आपको देख सकते हो। नाउ अब इसको करते हैं हाई बीम, और हाई बीम करने पर देखना ये देखो, हाई बीम करने पर ये वाइट है तो पूरा रोड सामने तक दिख रहा है। इसको हमने थोड़ा सा लो एंगल रखा हुआ है सो दैट ये सामने से आने वाले लोगों की आंखों पे ना लगे। अब एक बार मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ हाई बीम और लो बीम करके, ठीक है। तो आप ये देखो बाइक की अभी हेडलाइट तो ऑफ है, अब एक बार लो बीम करते हैं इसको। तो ये देखो आप यहाँ लो बीम जो है, लो बीम कुछ इस तरीके से है, और ये पूरा ये रोड पूरा दिख रहा है, और ये बिल्कुल भी ना सामने से आने वाली गाड़ी को आंखों पर नहीं लग रहा है। अब एक बार हम हाई बीम करके दिखाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हाई बीम भी हमारा लो एंगल है और सामने से आने वाली गाड़ियों को ये बिल्कुल भी आंखों पर नहीं लगेगा। अभी कैमरे पर थोड़ा सा आपको फील हो रहा है, पर ये जो है बिल्कुल, वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप जो जब हाईवेज़ पर होते हैं और बिल्कुल डार्क स्पॉट्स पर होते हैं तो आप हाई बीम यूज़ करें। देख सकते हो यार देखो कितनी प्यारी लाइट्स लग रही हैं ये देखो। अब ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन हो चुका है। नाउ कमेंट्स में गेस करो मैं किस लोकेशन पर राइड करने जाने वाला हूँ। अभी एक दो मॉडिफिकेशन और होना बाकी है, मोबाइल होल्डर भी लगेगा इसमें। और मैं बता दूँ अभी मैंने स्टॉक लेग गार्ड लगवा लिया है, क्योंकि इसका जो कस्टम क्रैश गार्ड बनना है ना, वो कस्टम क्रैश गार्ड के लिए मैंने ऑर्डर किया है और उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके मेजरमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, सैडल स्टे का भी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। ये थी पूरी इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो, और लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से मैंने इसको लगवाया है। अगर आप दिल्ली NCR में हो तो आप यहाँ विजिट करके लगवा सकते हो, और अगर आप ऑल ओवर इंडिया में हो कहीं से भी तो रफ एंड टफ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ दिख गया होगा बोर्ड पर, आप उनको व्हाट्सएप पर ऑर्डर करके बाइक कुरियर भी मंगवा सकते हैं और सारी एक्सेसरीज आपको वहाँ से ले सकते हैं आप, किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज बेस्ट रेट्स पर और क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इससे पहले भी मैंने वहाँ से कुछ मॉडिफिकेशंस कराए थे, जो हॉर्नेट थी और मेरी वाली हॉर्नेट में जो इंजन किल स्विच इंस्टॉलेशन और जो हॉर्नेट 2.0 के इंडिकेटर्स इंस्टॉल करवाए थे वो भी मैंने दीपक भैया से ही करवाए थे। तो टिप्स वगैरह अगर आपको चाहिए आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या उनके यहाँ डायरेक्टली विजिट कर सकते हो अगर आप दिल्ली NCR से हो। और अब वीडियो को क्लोज करते हैं, एक अच्छी सी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होने वाला है। क्रैश कार्ड और ये सारे इंस्टॉलेशन का हम ऑर्डर दे चुके हैं, तो वो जैसे ही अवेलेबल होता है वो जल्दी इसको हम लगवा के नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। और आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और मॉडिफिकेशन अभी और इसमें होने वाले हैं, और ट्रिप का कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सी ट्रिप पर जाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से करते हैं वीडियो को एंड, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कीप वॉचिंग JS Extreme।